हेलो गाइस सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मीनिंग ऑफ फाइनेंस फाइनेंस सर्विसेज हमारी होती क्या है बेसिकली और कैसे ये डील करती है मार्केट में सो so इसको स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ वेरी डिफरेंट सेगमेंट इज कोल्ड सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी है वो डिफरेंट सेगमेंट से मिलके बनी हुई है जिसको हम आज के टाइम में सेक्टर्स बोलते हैं जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड हमारा फाइनेंस सेक्टर तो हमारा जो फाइनेंस सर्विसेज है वो एक सेक्टर का पार्ट है प्रोवाइड डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस टू द कंज्यूमर ये जो सेक्टर हैं हमारे बने हुए हैं हमारे इकोनॉमी में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज से मिलकर बने हुए हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसिस से मिलकर बने हुए हैं जो हमें डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं द कंपनीज दैट आर ग्रुप टूगेदर प्रोवाइड सिमिलर टाइप ऑफ सर्विसज आर सेक्टर जो कंपनीज मिलकर एक तरह की सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कराते हैं वो उनको ही हम क्या बोलते हैं सेक्टर फॉर एग्जांपल जो हमारी एग्रीकल्चर कंपनी होती है एग्रीकल्चर ऑफर करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और अगर जो कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत सारी कंपनी मिलकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने लगे और उनमें डील करने लगे तो वो हमारा हो जाएगा वो मिलकर बना देंगी एक एग्रीकल्चर सेक्टर को फॉर्म कर देंगी वो एक ओके okay? नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूड मोर स्पेसिफिक रेंज ऑफ एक्टिविटीज लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री एंड इंश्योरेंस जो हमारा फाइनेंशियल सर्विस है वो हमारा इन वाली सर्विसेज में डील करता है बैंकिंग में इन्वेस्टिंग में एंड इंश्योरेंस में अब हम देखेंगे हमारा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर होता क्या है बेसिकली इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल एंड कॉर्पोरेशन सो हमारा क्या करता है ये फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल सर्विसेज मीनस फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज फंड रिलेटेड सर्विसेज बैंकिंग रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अभी हमने पढ़ा है बैंकिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में ये डील करता है तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है फंड रिलेटेड सर्विसेज रिलेटिंग टू बैंकिंग इन्वेस्टिंग एंड इंश्योरेंस ओके कि कैसे हम बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके थ्रू रिटर्न ले सकते हैं कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में बॉन्ड्स में कैसे हम इंश्योरेंस में वो कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका रिटर्न्स ले सकते हैं प्लस सिक्योरिटी और रिस्क को अपना मिटिगेट कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा दिस सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल फर्म्स ये हमारा जो सेक्टर है फाइनेंस सेक्टर है वो वेरियस फाइनेंशियल फर्म्स से मिलके बना हुआ है मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है जैसे कि बैंक्स इन्वॉल्व है इसमें फाइनेंस सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट हाउसेज इन्वॉल्व है लेंडर्स इन्वॉल्व है फाइनेंस कंपनीज इन्वॉल्व है रियल एस्टेट ब्रोकर इन्वॉल्व है एंड अदर इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वॉल्व है ओके okay? इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हेल्प टू बूज द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन सो हमारा ये क्या करता है ये हमारी इकोनॉमी को तो बूस्टअप करने में हेल्प करती है प्लस प्लस वर्ल्ड की पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हमारी बूस्टअप करने में हेल्प करती है हमारी जो होती है फाइनेंस सेक्टर और ये हेल्प करता है हमारी जो अर्निंग इंक्रीज करने में मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज करने में ओके नेक्स्ट है लार्ज कंपनीज डोमिनेट दिस सेक्टर बट इट ऑल्सो इंक्लूड अ डाइवर्स रेंज ऑफ स्मॉलर कंपनीज इसमें जो ज्यादा रोल प्ले करती हैं वो लार्ज कंपनीज प्ले करती हैं लेकिन इसमें जो डाइवर्स रेंज होती है मतलब स्मॉलर कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एंड डिपार्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द आई एम एफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर द प्रोसेस थ्रू विच कंज्यूमर एंड बिजनेस गेट फाइनेंशियल गुड्स अब ये हमारी फाइनेंशियल गुड्स क्या होते हैं फाइनेंशियल गुड्स बेसिकली होते हैं जो हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं मतलब फाइनेंशियल एसेट्स प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि कोई पेमेंट बैंक है फॉर एग्जाम्पल कोई पेमेंट बैंक है वो कोई भी फाइनेंशियल सर्विस कंडक्ट करता है एक्सेप्ट करता है ट्रांसफर्स को और पाए जो हमारा पेयर है मतलब जो पे कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है उनके बीच में फंडस को ट्रांसफर करता है ये जो अकाउंट से है इसके सेटल्ड करते हैं थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड सो तो ये हमारे क्या हो गए फाइनेंशियल गुड्स सो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ फाइनेंशियल गुड्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये इंस्टीट्यूशन कुछ फाइनेंशियल गुड्स भी प्रोवाइड कराते हैं और कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं नेक्स्ट है हमारा कंपनीज इज द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री आर द मैनेज मनी लेकिन जो फाइनेंशियल गुड्स से अलग जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो मैनेज करते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो बेसिकली किस वजह किस लिए होती है वो मैनेज करने के लिए होती है मनी को उस बंदे की मनी को मैनेज हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू करी जाती है इन्वेस्टर्स की जो हमारी मनी है जो एडवाइजिंग काउंसलिंग ये सब की जाती है उनके लिए ये किस लिए की जाती है कैसे की जाती है ये उनकी मनी को मैनेज करके की जाती है सो so, हमारी जो फाइनेंस सर्विस है उसके अंदर दो चीजें आती हैं एक फाइनेंशियल गुड्स एंड एक फाइनेंशियल सर्विसेज ओके फाइनेंशियल गुड्स इन्वॉल्व करते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड टाइप ऑफ सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूड करती है काउंसलिंग एडवाइजरी ये फी बेस्ड होती है लेकिन ये जो होती है एसेट्स हमें क्या प्रोवाइड कराती है फंड्स प्रोवाइड कराती हैं ये हमें कोई भी प्रोवाइड कराती ये सिर्फ हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती है हमारी मनी को मैनेज करती हैं ओके अब फाइनेंशियल एडवाइजर्स मैनेज एसे ऑफर एडवाइज ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट ये हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर क्या होता है ये जो है मैनेज करता है एसेट्स को क्लाइंट्स की और ऑफर करता है एडवाइज ओके कि कैसे उसको इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहिए कैसे अपनी की जो कंपनी की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज करनी चाहिए ओके द एडवाइजर इज नॉट प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट और एनी अदर प्रोडक्ट दे मेक इजियर मोवमेंट ऑफ फंड बिटवीन द सेवर एंड इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स ये क्या बोलता है कि आ, हम तुम्हें डायरेक्टली कोई गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे मतलब फाइनेंशियल सर्विस हमारी क्या बोल रही है मैं कोई भी तुम्हें गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रही या फिर मैं कोई तुम्हें फंड नहीं प्रोवाइड करूंगी मैं क्या करूंगी मैं तुम्हारा जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर सिक्योरिटीज़ का इन्वेस्टमेंट है मैं तुम्हारे प्रोडक्ट को मैनेज करूंगी जिसकी वजह से जो तुम्हारा सेवर है मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहता है तुम्हारी कंपनी में और जो इश्यू है मतलब तुम्हारे बीच में फंड्स का जो मूवमेंट है वो ईजी हो सके ओके द सर्विस इज अ टेम्परेरी टास्क रेदर देन टेंजिबल एसिड ये जो सर्विस होती है ये कुछ टाइम के लिए होती है जितने टाइम तक आप अपने बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं ये कोई भी टेंजिबल एसिड की तरह वर्क नहीं करता ओके okay? एंड द मॉर्गेज लोन में लाइक अ सर्विस जो हमारा मॉर्गेज लोन होता है ये हमारा सर्विस की तरह दिखता है बट इट इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट लाइक अ स्टॉक बॉन्ड्स कॉमोडिटी एसेट्स रियल एस्टेट एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल गुड्स सो फाइनेंशियल गुड्स हमारे क्या क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल गुड्स होते हैं लोन्स कॉमोडिटी एसेट्स रियल एस्टेट इंश्योरेंस पॉलिसीज ओके okay, एंड जो मॉर्गेज लोन होता है मॉर्गेज क्या होता है जो कि हम अपनी कोई चीज को गिरवी रख देते हैं मतलब गिरवी रख के कोई चीज लेना लोन लेना उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज लोन मॉर्गेज लोन हमारा एक सर्विस की तरह लगता है लेकिन ये क्या होता है एक हमारा गुड्स होता है हमारा फाइनेंस गुड्स होता है ओके सो आई थिंक आपको फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छे से समझ में आई होंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्कस करेंगे सो so, अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए थैंक यू